तो हेलो दोस्तों, आज के डिफेंस वीडियो में टोटल चार बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। सबसे पहली अपडेट जो आकाश एनजी मिसाइल को टेस्ट को लेकर आ रही है, उसके अलावा दूसरी अपडेट में जो ओरा यूसीवीए है उसके इंजन को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है, उसके अलावा तीसरे अपडेट में राफेल की डिलीवरी को लेकर है। उसके अलावा वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ कि क्यों अब चाइना भी जो नाटो है उससे डरने लगा है। नए हो तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत लिखना बोले। तो आज का डिफेंस वीडियो शुरू करते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार के दिन इंडियन आर्मी और डीआरडीओ के द्वारा राजस्थान के जैसलमेर पोखरण फायरिंग रेंज से आकाश मिसाइल का जो नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट है यानी कि आकाश एनजी का सक्सेसफुली टेस्ट ट्रायल कर दिया गया है और इसको हैवी मोबाइल ट्रक में स्थित लॉन्चर से लॉन्च किया गया था। जो आकाश एनजी मिसाइल है वो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में एज ए इंटरसेप्टर रोल निभाने वाली है। जो आकाश एनजी मिसाइल है वो लो ऑब्जर्वेबल और हाईली मैन्यूवरेबल एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करेगी। आकाश एनजी की रेंज के बारे में बात कर लेते हैं तो उसकी रेंज है टोटल 40 किलोमीटर और जो आकाश एनजी है वो आकाश के पुराने वेरिएंट से बहुत ही ज़्यादा घातक और पिन पॉइंट एक्यूरेसी और हाईली मैन्यूवरेबल रहने वाली है। और जो ये आकाश एनजी मिसाइल है वो अपने टेस्ट के सभी पैरामीटर में खरी उतरी है। तो अब हम वीडियो के दूसरी अपडेट की बात कर लेते हैं। तो दूसरी अपडेट हमारा जो ओरा यूसीवीए को इंजन को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। तो जो ओरा यूसीवीए है वो हमको फ्यूचर में सुपर पावर बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है और जो ओरा यूसीवीए का जो इंजन है उसमें कावेरी का ड्राई इंजन यूज़ होने वाला है। तो जो MDNL की ओर से पहले कंसाइनमेंट कावेरी के इंजन के पार्ट्स डिलीवर कर दिए गए हैं तो उन पार्ट्स में एक निकल बेस्ड अलॉय सिस्टम है वो हाई टेम्परेचर को भी सहन कर सकता है, उसके भी डिलीवरी हो गई है। तो इंजन की एक तरह से डिलीवरी पार्ट्स की हो गई है तो बहुत ही जल्द इंजन के साथ अब ओरा यूसीवी हमारी एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। टोटल 2024 या 2025 में उसके टेस्ट ट्रायल कम्प्लीट कर दिए जाएंगे और उसके बाद जो ओरा यूसीवीए है वो हमारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। तो अब हम वीडियो के तीसरे अपडेट की बात कर लेते हैं। तो हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार नेक्स्ट हफ्ते के पहले कुछ दिनों में 3 रफेल की डिलीवरी हो जाएगी, उसके अलावा नेक्स्ट मंथ यानी कि अप्रैल के मिड में और 9 रफेल की डिलीवरी हो जाएगी, उसमें से 5 रफेल जो सेकंड स्क्वाड्रन वेस्ट बंगाल में है यानी कि हाशीमारा एयरबेस में होने वाली है। तो राफेल के आने के बाद जो हमारे इंडियन एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ घट रही है दिन ब दिन उसमें थोड़ी सी तो राहत मिलने वाली है हमारे इंडियन एयरफोर्स को। तो अब हम वीडियो के लास्ट अपडेट की बात कर लेते हैं और जो चाइना है वो भी नाटो से डरने लगा है। जैसा सोवियत यूनियन के साथ हुआ था वैसा चाइना के साथ भी ना हो। और जो चाइना का ग्लोबल टाइम है उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, उसमें इंडिया को सुझाव दिया गया है कि इंडिया को नाटो ज्वाइन नहीं करना चाहिए और जो नाटो है वो इंडिया के लिए ट्रैप है। तो इस बात से ही आप समझ सकते हो कि चाइना में नाटो के लिए कितना ज़्यादा खौफ बैठ गया है। उसके अलावा इंडिया नाटो ज्वाइन तो नहीं करेगा पर अगर इंडिया नाटो ज्वाइन कर लेता है तो इंडिया को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा आर्टिकल 5 से। अगर चाइना इंडिया के खिलाफ कोई भी एक्शन करता है तो उसके अगर इंडिया तो एक्शन लेगा पर जो नाटो की बाकी सदस्य देश है वो भी इंडिया के साथ मिलकर चाइना के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं। तो जो नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर नाटो कंट्री के जो सदस्य मेंबर है उस पर अगर विश्व का कोई भी देश अटैक करता है तो नाटो कंट्री के सारे मेंबर मिल के उस कंट्री पर हमला कर देंगे। अगर आपको ये डिफेंस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।